नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लग्जमबर्ग जॉब के ऊपर। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर ड्राइवर की पोस्ट के लिए जॉब आया है उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनको जो है ड्राइवर की कैटेगरी में जिनको एक्सपीरियंस है। यहाँ पर डिलीवरी ड्राइवर हो सकते हैं या पिज्जा वगैरह ड्राइव डिलीवर करने के लिए। एटलीस्ट ये जो कंपनी है ना, इन्हें जो है डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत है। ड्राइवर जिनके पास एटलीस्ट एक साल का तो मैक्स टू मैक्स एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का, ड्राइव करने का, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीवरी ड्राइवर्स की ज़रूरत है। क्या है प्रोसेस, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लग्जमबर्ग में जॉब है और लग्जमबर्ग आपको भी पता है कि यूरोप की कंट्री में जो है सबसे अमीर कंट्री में काउंट करा जाता है, इसकी GDP के हिसाब से, एक कंट्री के हिसाब से, ठीक है। लग्जमबर्ग जो है अमीर देशों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका वेतन होगा नॉर्मली जो अगर देखें तो 2-3 लाख तक तो ईजिली आपको मिल जाने वाला है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लग्जमबर्ग भाई महंगी सिटी है, खर्च भी आपका उसी हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या आपको ध्यान दे रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। लग्जमबर्ग में जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास CV एंड कवर लेटर होना चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर सबसे पहले आपको CV कवर लेटर होना चाहिए और वो भी यूरोपियन स्टाइल का होना चाहिए। जो यूरोप में एक्सेप्टेड हो CV कवर लेटर, वो वाला CV लेटर आपके पास होना चाहिए। ये हमारे इंडिया में जो CV कवर लेटर चलते हैं वो नहीं चलेगा, आपके पास यूरोपियन स्टाइल का जो है CV एंड कवर लेटर होना चाहिए। वही CV एंड कवर लेटर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अदरवाइज आप इंडियन फॉर्मेट का CV कवर लेटर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो CV है वहाँ शॉर्ट लिस्टेड ही नहीं होगा, उनके एल्गोरिथम में सेट ही नहीं होगा। इसीलिए आपको जो है उनके फॉर्मेट के हिसाब से CV एंड कवर लेटर बनवाना है या फिर बनाना है खुद से, और उसके बाद इस जॉब को अप्लाई करना है। जितने भी ड्राइवर हैं वो लोग जा सकते हैं, ड्राइवर जो डिलीवरी में जाना चाहते हैं, यहाँ पर डिलीवरी ड्राइवर्स की आवश्यकता है। प्रोसेस मैंने बता दिया, एक्सपीरियंस यहाँ पर मैक्स टू मैक्स पकड़ लो कि 1 साल 6 महीने का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लिखा था 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस। किस तरीके से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बताऊंगा। और वीज़ा का मैं प्रोसेस आपको पहले बता दूं, जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसी टाइम पर आप बात कर लेना, मतलब आपकी जब CV शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है तो उसी टाइम पर आप जो इम्प्लॉयर है, जो कंपनी वाला है, उससे बात कर लीजिएगा। एकोमोडेशन, रहने खाने का, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, क्या आप कराओगे। अगर वो वीज़ा का नहीं कराते हैं, मतलब मोस्टली तो कंपनियां वहां से वीज़ा का खुद वो करती हैं, लेकिन अगर वो मान लो कि नहीं करती हैं तो यहां से आपको वीज़ा का प्रोसेस करना होगा। वो जॉब ऑफर लेटर आपको जब भेज देंगे तो आप यहां से वीज़ा प्रोसेस कर लेंगे। 8-10 हज़ार चार्ज लगता है भाई ये लग्जमबर्ग वर्क वीज़ा के लिए, ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। अब 8-10 हज़ार लगा के आप आराम से वीज़ा ले सकते हो, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट वगैरह जानना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, तो आप वो यूट्यूब पर जाकर सर्च करके मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैंने बताया कि लग्जमबर्ग में किस तरीके से और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वर्क वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो अब हम चलो प्रैक्टिकल दिखाते हैं किस तरीके से आप इन सारे जॉब को अप्लाई करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, जिस वेबसाइट का नाम यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट ट्रैक। यहाँ पर हम सर्च करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखाने के लिए बोला हूँ कि यहाँ पर FASTTRACK.LU सिंपली आपको ये FASTTRACK.LU सर्च कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटिंग का जो है ऑप्शन शो कर रहा है, रिक्रूटमेंट था, तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और ये फास्ट ट्रैक फूड डिलीवरी की जो है ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर इनको ड्राइवर की आवश्यकता है फास्ट ट्रैक में। वी आर मोर देन जस्ट अ वर्क प्लेस, वी आर अ फैमिली, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप आओगे नीचे आ जाना है और यहाँ पर देखो जॉब की आवश्यकता है, यहाँ पर पूरा लग्जमबर्ग में जरूरत है इम्प्लॉई चाहिए। अगर आपको जॉब करना है तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। मैंने वहाँ पर क्लिक करा और ये फ्रेंच में शो कर रहा है तो आप इसे इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दो ताकि ये पेज जो है ट्रांसलेट हो जाए। आप अगर फोन में अगर यूज़ कर रहे हो वहाँ पर तो वहाँ पर ही आप इसे ट्रांसलेट कर देना। अब यहाँ पर जॉब के डिस्क्रिप्शन है, देखो जब हम जॉब अप्लाई करते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं सही से, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या लिखा है, क्या नहीं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन है आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर क्लिक कर सकते हो, या तो रिकमेंड टू अ फ्रेंड, या फिर अपने दोस्त को रिकमेंड कर सकते हो, या व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू जुड़ सकते हो इन्हें, या फेसबुक के थ्रू जुड़ सकते हो, मतलब आप जहाँ भी टेलीग्राम के थ्रू भी इनसे जुड़ सकते हो, जहाँ भी जुड़ना है जुड़ के बात उत कर सकते हो। यहाँ पर देखो किसमें जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की ये कैटेगरी आती है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर की आवश्यकता है तो ट्रांसपोर्ट ही में जाओगे आप, ठीक है। 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लग्जमबर्ग टाउन जो है यहाँ पर है और स्टेट है लग्जमबर्ग, यहाँ पर लग्जमबर्ग कंट्री में है, पोस्टल कोड यहाँ का दिया हुआ है। और इन्हें किस किस चीज़ की जरूरत है, देखो पिकअप गुड पिकअप के लिए जरूरत है, लोड इट ऑन हिज व्हीकल, प्लेस ऑफ पिकअप कैन बी
रेस्टोरेंट में आपको हो सकता है पिकअप एंड ड्रॉप करना हो, जो पिज्जा का होते हैं कमर्शियल एक्टिविटी जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें आपको लिखा है, ठीक है। और डिलीवरी कैन भी सिंगल भी हो सकती है, सिंगल पैकेज हो सकती है, सेवरल डिलीवरी हो सकती है, सिंगल ट्रिप का हो सकता है या मल्टीपल पर्पज मल्टी ड्रॉप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सही तरीके से आप डिटेल पढ़ सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि आप लिखा दिस इज अ वेरी डायनेमिक जॉब दैट रिक्वायर गुड फिजिकल फिटनेस, आपके पास फिजिकल फिटनेस अच्छी होनी चाहिए बिकॉज द एम्प्लॉय इज कंटिन्यूसली एक्टिव, आप जो हमेशा एक्टिव ही रहोगे। द एबिलिटी टू ड्राइव द व्हीकल ही यूज फॉर डिलीवरी इज एसेंशियल, ठीक है। ये पूरा डिटेल आप देख लो, यहाँ पर सब कुछ ऐसे लिखा। तो इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस ये जॉब के लिए सुटेबल फीडबैक, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो, इस जॉब को आप कर सकते हो, तो आपको आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आई एम इंटरेस्टेड के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीवी कवर लेटर के लिए बोलेगा, तो आपके पास सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। सीवी एंड कवर लेटर पर जैसे आपको क्लिक करना है, यहाँ से अपना सीवी जो है सेलेक्ट करके यहाँ पर सिंपली अपलोड कर लेना है, ठीक है। पहला यहाँ पर देखो पहले ही बोल दिया है कौन से डॉक्स फाइल्स लेते हैं, पीडीएफ ओडीटी आरटीएफ कोई भी आपका हो एक्सटेंशन, ये लोग यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर नाम पूछ रहा है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपना यहाँ पर डाल सकते हो, मिस्टर यहाँ पर देखो मिस्टर अपना नाम डाल दो, या नेम या ईमेल एड्रेस आपको डालना है, ठीक है। और नीचे आ जाओ इन्फॉर्मेशन अबाउट एड्रेस, टाउन सिटी का नाम, अपने कंट्री का नाम डाल दो, अपने टाउन का, इंडिया में हो अगर उत्तर प्रदेश से हो तो उत्तर प्रदेश, गुजरात से हो तो गुजरात और कंट्री में इंडिया लिख दो, ठीक है। नीचे आ जाओ प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, स्किल आपको आपके अंदर कौन कौन सी है, ठीक है। तो आप जब सीवी किसी से बनवाओगे तो उसमें आप सही तरीके से डलवा लेना स्किल आपको क्या है। यहाँ पर चाहिए ड्राइवर की, ड्राइवर यहाँ सर्च करो, देखो आगे स्किल में ड्राइवर, इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आपके अंदर जो भी स्किल है वो आपको यहाँ पे सर्च करना है और वो स्किल को यहाँ पे डाल देना है। करंट एम्प्लॉयर, क्या आप करंट में कहीं काम कर रहे हो, तो उस एम्प्लॉयर का यहाँ पर डिटेल चाहिए होगा, ठीक है। और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं बोला था 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपको 1 साल का, तो 1 साल यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। आपको जितना एक्सपीरियंस है उतना ही डालना है और ये प्रोसेस को आप फॉलो करना, fasttrack.lu वेबसाइट का नाम है, तो आप फिर से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पर आ गया एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके अपना एजुकेशनल डिटेल यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं, जो भी आपने जितनी पढ़ाई करी है वो पूरा डिटेल डाल दो यहाँ पर, स्पेशलाइजेशन है, डिग्री है, यहाँ पर जो भी आपने कंप्लीट करा वो डाल दो। और उसके बाद आता है आपका ये ऐड, यहाँ पर और करने के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो ऐड के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डाल सकते हैं अगर आपके पास है कुछ तो, ठीक है। उसके बाद आता है आउटरो इन्फॉर्मेशन, यूरोपियन ड्राइविंग परमिट, क्या आपके पास यूरोपियन कंट्री का ड्राइविंग परमिट है, तो है तो येस, नो है तो नो, अगर क्योंकि आपके पास डेफिनेटली अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास तो होगा नहीं, तो आपको सिंपली नो कर देना है। और यहाँ से देखो अब पूछ रहा है आपके लिंक्डइन का आईडी, तो देखो लिंक्डइन पर लोग कनेक्ट होते हैं जॉब के लिए, जॉब फाइंड करने के लिए, तो आपको अपने लिंक्डइन का आईडी यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड कर देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन आपको अपनी डालनी है, यहाँ पर फोटो आपको अपना डालना है और सीवी डालना है, यहाँ पर फिर से अपलोड करना है। फोटो के ऊपर क्लिक करके अपनी फोटो यहाँ से कोई भी आप एक अपलोड कर लेना, हम यहाँ से अपनी एक कोई भी फोटो ले लेते हैं, ऐसे कोई भी फोटो तो लेगा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे फिलहाल मैंने बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ से सीवी जो जिससे आप कवर लेटर बनवाते हैं, मतलब जिससे सीवी बनवाएंगे आप अपना, तो वो आपको सीवी दे देगा बना के, ठीक है। तो यहाँ पर सीवी को अपलोड कर देना है और यहाँ से सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है। और उसके बाद जैसे आपकी सीवी शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है लिंक्डइन का आप सोशल मीडिया का ये डाल दें यहाँ पर इनको सोशल मीडिया का डिटेल, तो हो सकता है लिंक्डइन के थ्रू आपको कांटेक्ट करें, या फिर आपने जो सीवी के अंदर अपना ईमेल आईडी डाला होगा उसके ऊपर कांटेक्ट आपसे करें, या फिर यहाँ पर जो आप डाल रहे हैं नीचे एड्रेस ऑफ ईमेल एड्रेस, या तो आपके ईमेल के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, या तो आपके फोन नंबर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये लोग खुद भी व्हाट्सएप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देख लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू चैट के ऊपर, तो इनसे आपकी बात होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको इनसे WhatsApp पे चैट करना है तो डायरेक्ट WhatsApp वाला जो आइकॉन दे रहा है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है और आप इनसे WhatsApp पर जुड़ के इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस रहा लग्जमबर्ग में डिलीवरी ड्राइवर के लिए, क्योंकि ये डिलीवरी ड्राइवर अलग अलग टाइप की गाड़ी वगैरह कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपको बस वहां पर ड्राइविंग करना है और वहां पर GPS वगैरह का पूरा प्रोसेस रहता है, तो GPS लगा होगा और एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपको जाना है, कंपनी आपको पूरा वहां पर ट्रेनिंग देगी, सब कुछ कंपनी करेगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो भाई जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और आपको कौन सी कंट्री के जॉब के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर बना दें। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ।